हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है ऋतिक, आप देख रहे हो ऋतिक टेक्निकल सपोर्ट। तो मैं जो आप लोग के इस वीडियो में बताने वाला हूँ किस टाइप से आप लोग यहाँ पे जो है अपने ओप्पो के कोई भी डिवाइस में आप लोग यहाँ पे जो है हाइड एप्लीकेशन का लाभ उठा सकते हैं विथआउट रूट और विथआउट एनी ऐप के। इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करते पहले बता दूँ दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रेड के बटन दबा के हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दो। एंड बगल में बेल आइकन दबाना बोल एंड यार वीडियो पसंद है तो लाइक करना बोले और शेयर करना भी ना बोले। चलिए बात करें टॉपिक की। तो सबसे पहले मैं आप लोग के यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन चूज करके बता दूँ। जैसे यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा व्हाट्सअप, ठीक है ना। इस पर मैं एरो कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे आप लोग दिख रहा है व्हाट्सअप, यहाँ पे मेरा जो है मेन्यू में आप लोग को व्हाट्सअप दिख रहा होगा, ठीक है ना। उसके बाद में आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे आप लोग को सिक्योरिटी सेंटर ओपन करना है। अपना जो ओप्पो के डिवाइस में जो एक एप्लीकेशन रहती है जिसका नाम है सिक्योरिटी सेंटर, आप लोग उसको ओपन करना है। उसके बाद आप लोग को बीच वाला ऑप्शन दिखता है प्राइवेसी परमिशन, इस पर आप लोग क्लिक करना पड़ता है। और यहाँ पे आप लोग को लास्ट वाला ऑप्शन दिखता है प्राइवेसी प्रोटेक्शन, इस पर मैं क्लिक करूँगा। और आप लोग के यहाँ पे कोई भी पैटर्न जो है चूज़ करना है। तो आप लोग को सबसे पहले फर्स्ट टाइम आप लोग डिजिट करेंगे तो यहाँ पे आप लोग अपना पैटर्न लॉक डाल लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग के यहाँ पे पैटर्न डाल लीजिएगा, जैसे यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ अपना पैटर्न। और आप लोग को जिस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप लोग को सेकेंड वाला ऑप्शन है प्राइवेट एप्लीकेशन का, इस पर आप लोग क्लिक करना है। और यहाँ पे आप लोग अभी देख सकते हैं कोई भी मेरी एप्लीकेशन यहाँ पे नो एप्लीकेशन बता रहा है। जैसे यहाँ पे अभी तक मैंने कोई भी एप्लीकेशन जो हाइड करके नहीं रखा, तो अभी मैं ऐड वाला ऑप्शन दिख रहा है आप लोग को, नीचे में ऐड वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर मैं क्लिक करूँगा। और यहाँ पे आप लोग की थोड़ा सा लोडिंग लगा और आप लोग की पूरी एप्लीकेशन जो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने जैसे बताया था व्हाट्सअप, ठीक है। तो आप मैं व्हाट्सअप को अनेबल करता हूँ और ओके के बटन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेरा व्हाट्सअप आ चुका है। अब मैं देखता हूँ कि मेन्यू में मेरा व्हाट्सअप दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अभी मेरा यहाँ पे मेन्यू में मेरा व्हाट्सअप दिखाई दे रहा था, बट अभी नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने व्हाट्सअप अपना जो हाइड करके रख चुका हूँ। अब आप लोग को मूव कैसे करना है, मूव करने के लिए आप लोग को फिर से सिक्योरिटी सेंटर ओपन करना है। उसके बाद वही वाले फीचर्स पे चले जाना है, प्राइवेट एप्लीकेशन। अब फिर से आप लोग के यहाँ पे व्हाट्सअप पूरे दिखाई देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग को बहुत सारे एरो में, बहुत सारे फीचर्स में यहाँ पे आप लोग को व्हाट्सअप दिखाई देगा। तो आप लोग कोई भी फीचर को करेगा स्लाइड और मूव पे क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पे आप लोग को जो व्हाट्सअप मूव हो चुका है, आप लोग यहाँ पे देख सकते कि आपका व्हाट्सअप जो मूव हो चुका है, यहाँ पे देख सकते आप लोग यहाँ पे हमारा व्हाट्सअप यहाँ पे आ चुका है, ठीक है ना। अब आप लोग सोच रहे हो कि यार हम इसका पासवर्ड किस टाइप से चेंज करें, तो मैं आप लोग को पासवर्ड चेंज करके बता दूँ। फिर से आप लोग को वहीं पे जाना पड़ेगा और ऊपर में आप लोग को दिख रहा होगा सेटिंग का आइकॉन, यहाँ पे आप लोग को सेटिंग का आइकॉन दिख रहा होगा, इस पर आप लोग क्लिक करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को चेंज पासवर्ड का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ से आप लोग जो अपने सिक्योरिटी सेंटर का जो है हाइड एप्लीकेशन का जो पासवर्ड भी यहाँ पे आप लोग चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो उम्मीद करना दोस्तों आप लोग वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और जो भी डाउट हो कमेंट करना बोले। मैं वीडियो बना के आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, जय माता दी।